Hi friends, today we'll be starting a important topic or section that is toxicology. Toxicology में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक important drug which is used mainly in cities that is acts as a toxin and that is MDMA. MDMA का full form क्या होता है? MDMA का full form होता है, ये भी एक MCQ है, 3,4-methylene-medoxy-meth-amphetamine. ठीक है, तो इसको लोकली बोला जाता है, इट इज़ आल्सो वेरी फेमस एज MDMA इज़ वेरी फेमस एज मॉली और इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटेसी ड्रग. ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज डांस ड्रग एंड इट इज़ आल्सो समटाइम्स नोन एज रेव पार्टी ड्रग. ओके, नाउ MDMA का काम क्या होता है, हाउ इट वर्क्स. MDMA इज़ बेसिकली इज़ अ सिंपैथो मिमेटिक एम्फिटामाइन. तो ये क्या करेगा, दिस सिंपैथोमिमेटिक एम्फिटामाइन लाइक एक्शन की वजह से इट विल बेसिकली इंक्रीज द एंडोजिनस रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस. ठीक है, तो अभी कैटेकोलामाइन का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा. विच कैटेकोलामाइंस, बेसिकली इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन लेवल. अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो कॉज एन इंक्रीज इन सेरोटोनिन लेवल्स. इट नॉट ओनली कॉजेज एन इंक्रीज इन द कैटेकोलामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल्स बट इनका री अपटेक भी वो इनिबिट करता है. कौन? MDMA इनिबिट्स देयर री अपटेक एट द न्यूरोट्रांसमीटर और द सिनेप्स लेवल. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस कैटेकोलामाइन एंड सेरोटोनिन देर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ द टॉक्सिन्स. नाउ वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स. ओके, इनिशियली दिस ड्रग यूजअली टेक्स 1 hour फॉर इट्स इफेक्ट टू ऑकर एंड लास्ट फॉर 4 to 6 hours. When initially what this drug does is it causes an increased level of alertness. ठीक है, it increases the physical and mental power of the patient. ठीक है, power of the patient. उसके बाद it also causes an euphoric like state. It causes a euphoria. Okay. Along with that, it is been seen that the patients are willing for going into intimate relationship, and this is usually because of the increased levels of prolactin that is caused by MDMA. All these effects are basically because of increased CNS stimulation by MDMA. Apart from this, it also causes, MDMA causes an increase in the blood pressure or leading to hypertension. It also causes tachycardia. Okay, apart from tachycardia, the effect there is hyperthermia. Okay, and also because of presence of serotonin, increased serotonin, there can be features of CRD like features. This is basically syndrome of inappropriate ADH secretion. Okay, CRD basically because of increase in the serotonin level. Okay, apart from that, it is now a CRD kya karega, CRD ki wajah se there will be water intoxication like syndrome. Okay, associated water intoxication ki wajah se there will be hyponatremia, and this hyponatremia will basically lead to have an effect on CNS. Kya effect rahega? It can cause seizure, it can cause confusion, it can cause cerebral edema. Okay, apart from that, it can also cause death in the patient. Now, because of the euphoric state like feature, what will happen is basically the patient is more excited. मतलब क्या करेगा, ज़्यादा डांस करेगा, ज़्यादा नाचेगा. ओके, सो ही इज़ बेसिकली इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया. इसकी वजह से क्या होगा, देर कैन बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर एज वेल. ओके, द मसल्स कैन बिकम लिटल वीक एंड दिस कैन लीड टू रैबडो मायोलाइसिस
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन दैट दिस कैन कॉज, MDMA इज नोन टू कॉज हेपेटो टॉक्सिसिटी, ठीक है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर. इट इज वन ऑफ द वेल रिकग्नाइज टॉक्सिसिटी ऑफ MDMA. ऑल्सो देर इज इंक्रीज स्वेटिंग इन पेशेंट्स विथ MDMA हु आर टेकिंग MDMA, दैट इज देर इज बेसिकली डायफोरेसिस. नाउ इफ द सेरोटोनिन लेवल गोज टू हाई वॉट विल हैपन इज द पेशेंट कैन ऑल्सो डेवलप एज वॉट इज नोन एज द सेरोटोनिन सिंड्रोम. सेरोटोनिन सिंड्रोम इज यूजुअली, अगर किसी को पता नहीं तो इसमें एक ट्रायड रहेगा ऑफ ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ओके, उसके बाद एबनॉर्मल न्यूरोमस्क्युलर एक्टिविटी, एबनॉर्मल न्यूरोमस्क्युलर एक्टिविटी और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. सो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट में. नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस यू बेसिकली रिक्वायर इन पेशेंट्स विथ हु हैज कंज्यूम्ड MDMA? उसमें ब्लड शुगर लेवल देखो, उसके बाद पेशेंट का LFT लेवल देखो, उसके बाद लुक फॉर साइंस ऑफ इफ देर इज रैबडोमायोलाइसिस, दैट इज यू लुक फॉर क्रिएटिनिन काइनेज एंड यूरिन मायोग्लोबिन लेवल्स. ओके, नाउ सेरोटोनिन क्या करेगा? सेरोटोनिन विल बेसिकली कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोनेट्रेमिया, तो लुक फॉर सेरम सोडियम लेवल्स एंड सेरम ऑस्मोलैरिटी लेवल्स, ठीक है. दिस इज वॉट आर द इन्वेस्टिगेशन यू शुड डू इन पेशेंट्स हु आर ऑन हु हैज कंज्यूम्ड MDMA. नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट इन पेशेंट्स हु हैव कंज्यूम्ड MDMA. मैनेजमेंट इफ यू सी एनी पेशेंट हु इज अ केस ऑफ टॉक्सिन कंजम्पशन, यू शुड फर्स्ट लुक फॉर द एयरवे, देन द ब्रीदिंग एंड फाइनली द सर्कुलेशन. ओके, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव सीन इज देर इज इंक्रीज रिलीज इन द सेरोटोनिन लेवल, सो द पेशेंट इज वेरी अलर्ट. नाउ वंस देर इज एग्जॉशन ऑफ द सेरोटोनिन लेवल्स, द पेशेंट बिकम्स सो लिथार्जिक दैट ही माइट नॉट बी एबल टू ब्रीद ऑन हिज ओन एज वेल, एंड द पेशेंट मे रिक्वायर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन. ओके, वन ऑफ द कॉज. Next, look for the breathing pattern. If required, go for intubation, give a ventilatory support. फिर circulation देखो. अभी circulation में we have seen one of the clinical features of MDMA is hypertension. Hypertension क्यों होगा? Basically, we saw there was increase in the catecholamine levels. Hypertension होगा catecholamines की वजह से. कौन से catecholamines? Noradrenaline and डोपामाइन की वजह से. अभी क्या करना है हाइपरटेंशन हुआ तो? बेसिकली दिस हाइपरटेंशन कैन ऑकर बिकॉज ऑफ सेंट्रल स्टिमुलेशन एज वेल एज पेरिफेरल स्टिमुलेशन. ओके, नाउ टू काम डाउन द सेंट्रल सिस्टम वी बेसिकली इनिशियली यूज व्हाट? बेंजोडाइजेपिन्स. ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स हु हैव कंज्यूम्ड MDMA इज treat initially with benzodiazepines. Suppose now the patient is refractory to benzodiazepines, okay, then after central inhibitors try giving them peripheral agents. Kaun se peripheral agents deke dekhenge? We'll try giving them sodium nitroprusside, okay, or we can give them alpha blocking एजेंट्स. कौन से अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स दे सकते हैं? वी कैन ट्राई विथ फेंटोलामाइन. ओके, फेंटोलामाइन. अगर इफ द दिस इज नॉट अवेलेबल एट योर सेटअप, दैट इज पेरिफेरल एजेंट्स लाइक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और फेंटोलामाइन अवेलेबल नहीं है, देन वॉट यू कैन गिव इज यू कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक निकारडिपिन. ओके, और यू कैन गिव डोपामाइन एंटागोनिस्ट. कौन सा डोपामाइन एंटागोनिस्ट? ये MCQ है, डोपामाइन एंटागोनिस्ट. विच ऑफ दिस इज अ डोपामाइन एंटागोनिस्ट बोल के देंगे तो इसका ये है कि फिनॉल डोपाम इज अ डोपामाइन एंटागोनिस्ट.
ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इसमें है लैबेटेलोल, ओके, विच इज बोथ एन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन हु हैव कंज्यूम्ड एमडीएमए इज यू शुड नेवर गिव देम व्हाट एनीबडी, यू शुड नेवर गिव देम प्योर बीटा ब्लॉकर्स। विच आर दिस प्योर बीटा ब्लॉकर्स? वी नो दे आर मेटोप्रोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल प्रोप्रेनोलॉल, दीज आर प्योर बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या होगा, इफ दिस प्योर बीटा ब्लॉकर्स इफ यू गिव देम देर विल बी एन अनअपोज एक्शन ऑफ अल्फा ऑन अल्फा रिसेप्टर्स, राइट। When there is unopposed action on alpha receptors, it can cause what? Coronary vasospasm. Okay, and the patient may collapse. Okay, this is one of the important thing you should remember. Apart from hypertension, what we had seen is patient can become euphoric. So, if patient becomes euphoric, again, central depressants which we can give is benzodiazepine. One of the important drug in treatment of MDMA is benzodiazepine like lorazepam. Okay, so for euphoria, agitation, you can give benzodiazepines like lorazepam. Okay, apart from this, for hyperthermia, how you will treat hyperthermia in patients with MDMA is with cooling blankets or ice packs. ठीक है, आइस पैक्स देंगे नहीं तो कूलिंग ब्लैंकेट्स देंगे, ठीक है, ओके, देन कूलिंग ब्लैंकेट्स, ओके। सिमिलरली अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया हो गया तो कैसे ट्रीट करेंगे? हाइपोनेट्रेमिया, ओके, माइल्ड टू मॉडरेट है, माइल्ड है तो विल डू फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, अगर सीवियर है तो हाइपरटोनिक सलाइन के हेल्प से वी कैन ट्रीट देम। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट अ केस ऑफ एमडीएमए। नाउ फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। वन फर्स्ट थिंग, एमडीएमए का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीएमए? एमडीएमएज फुल फॉर्म इज basically, I'm sorry, 3,4-methylene medoxy methamphetamine. What drugs it increases? It increases the release of noradrenaline and serotonin. This is one of the important MCQ. In how many minutes does the effect starts? Usually it starts in 1 hour, okay. So treatment, what symptoms it can cause? It can cause euphoria and other important symptoms like hypertension, tachycardia and hyperthermia. Okay, now hypertension is because of both central and peripheral stimulation. So first we treat with what? Benzodiazepines. How is why does CIAD occurs in patients with MDMA consumption is because of increase in the serotonin levels that can lead to water intoxication. So one of the electrolyte abnormalities seen in MDMA consumption is hyponatremia. Okay, so in comparison to atropine toxicity, क्या होगा इसमें? इसमें रहेगा डाइफोरेसिस, whereas atropine toxicity में there will be dryness of the skin. Okay, और management में most important thing, drug कौन से use करेंगे? Benzodiazepine के बाद peripheral agents like sodium nitroprusside and phenethylamine. Okay, अगर ये नहीं है आप लोगों के पास, you give nicardipine और phenyldopam. अगर ए भी नहीं है, यू कैन ट्राई विथ लैबेटोलॉल, बट नेवर 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 यूज प्योर बीटा ब्लॉकर्स, नेवर यूज दिस, ओके, बिकॉज इट विल लीड टू एन अनअपोज्ड एक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स, फाइनली लीडिंग टू कोरोनरी वैसोस्पाज्म एंड कोलैप्स ऑफ द पेशेंट। दिस वॉज ऑल अबाउट एमडीए माई फ्रेंड्स। टू see such videos, please like and subscribe our channel so that it encourages us to
टू डू मोर एंड मोर सच वीडियोज. इफ यू आर विलिंग टू हैव पीपीटी ऑफ द टॉपिक यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी एट संतोष बी देसाई @gmail.com. थैंक यू फ्रेंड्स.